ओबामा ने ए प्रॉमिस लैंड नाम की अपनी किताब में राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल में एबटाबाद में मारे गए छापे की जानकारी दी है। अमेरिकी कमांडो के इस छापे में दुनिया का सर्वाधिक वंचित आतंकवादी लादेन 2 मई 2011 को मार दिया गया था। उन्होंने बताया कि इस अत्याधिक खुफिया अभियान का तत्कालीन रक्षा मंत्री रॉबर्ट गेट्स और पूर्व उपराष्ट्रपति और मौजूदा निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विरोध किया था। अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति ने बताया कि एबटाबाद में पाकिस्तानी सैन्य छावनी के बाहर एक पनाहगाह में लादेन के रहने की बात स्पष्ट हो जाने के बाद अलकायदा प्रमुख को मारने की कई विकल्पों पर विचार किया गया। उन्होंने कहा कि इस अभियान की गोपनीयता बनाए रखने की आवश्यकता ने चुनौती बढ़ा दी थी। ओबामा ने कहा कि हम जानते थे यदि किसी को बिन लादेन के बारे में हमारे कदम की जरा सी भी भनक लगी तो मौका हाथ से निकल जाएगा। इसी के लिए पूरी संघीय सरकार में केवल कुछ ही लोगों को अभियान की योजना की जानकारी दी गई। उन्होंने लिखा, हमारे सामने एक और रुकावट थी। हम भले ही कोई भी विकल्प चुनते उसमें पाकिस्तान को शामिल नहीं किया जा सकता था। ओबामा ने कहा, हालांकि पाकिस्तान सरकार ने आतंकवाद विरोधी कई अभियानों में हमारे साथ सहयोग किया है और अफगानिस्तान में हमारे बलों के लिए अहम आपूर्ति मार्ग मुहैया कराया, लेकिन ये खुला रहस्य था कि पाकिस्तान की सेना खासकर उसकी खुफिया सेवाओं में कुछ तत्वों के तालिबान और संभवतः अलकायदा से संबंध भी थे। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान की सेना एबटाबाद परिसर से कुछ ही मील दूरी पर थी, जिसके कारण इस बात की संभावना बढ़ गई थी कि पाकिस्तानियों को कुछ भी बताने से अभियान की जानकारी लीक हो सकती है। ओबामा ने लिखा कि वे एबटाबाद में भले ही कोई भी विकल्प चुनते उन्हें सबसे खतरनाक तरीके से अपने सहयोगी के क्षेत्र में बिना अनुमति घुसना पड़ता और इससे राजनयिक संबंध भी दांव पर लगे थे और इसने जटिलताएं भी बढ़ा दी थी। अंतिम चरणों में दो विकल्पों पर विचार किया गया कि हवाई हमला किया जाए या किसी विशेष मिशन को अधिकृत किया जाए, जिसके तहत एक टीम हेलीकॉप्टर से चोरी छिपे पाकिस्तान जाएगी, परिसर पर छापा मारेगी और पाकिस्तानी पुलिस या सेना के प्रतिक्रिया देने से पहले वहां से निकल आएगी। ओबामा और उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम ने दूसरे विकल्प को चुना और पाकिस्तान की सेना की शरण में रह रहा ओसामा मारा गया। ब्यूरो रिपोर्ट।